एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे क्रोधित हो वृत्रासुर स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ गया। उसकी असुरी माया को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देव गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। तत्काल देव गुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, तुम लोगों को वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। वत्रासुर बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने गंधमान पर्वत पर कई वर्षों तक महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। पूर्व जन्म में वत्रासुर चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है उसी राज्य में राजा था। साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन हेतु गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम महामाया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे हैं। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई बोली, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुम अपने कर्मों का फल जरूर भोगोगे। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंद कुमार सनत कुमार हैं। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ना करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्वाष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही महासुर वत्रासुर ने शिव भक्ति में लीन होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर महादेव को प्रसन्न किया। इस कारण से तुम उसे नहीं हरा सकते। अतः वत्रासुर को युद्ध में जीतने के लिए तुम लोगों को गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का करना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके संहार का आशीर्वाद तुम लोगों को प्रदान करेंगे। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर सभी देवताओं ने गुरुवार त्रयोदशी व्रत का पालन किया। इससे शिव जी ने प्रसन्न होकर महादेव से आशीर्वाद के रूप में वृत्रासुर को परास्त किया। बोलो महादेव भगवान की जय। अन्य कथाएं और उपाय जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।